तो गाइस यहीं पे हमने समोसा और चाय पिया है, देवरिया से आके समोसा खाया और अन्य के देखो पेप्सी मचका रहा है ये, और अन्य फ्रूटी काफी अच्छा लगा, चाय और समोसा कुल्हड़ में चाय। हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेवल अमेजिंग प्लेसेस ब्लॉग्स में, और आज फिर हम एक नए सफर पे निकल गए हैं लखनऊ से बिहार डायरेक्ट बिहार। तो चलते हैं और रास्ते में देखिए कितना माइलेज देती है, वो तो देखना ही है, बट सफर में और भी चीज़ें जो नई नई चीज़ें हैं वो दिखाएंगे आपको, कहाँ रुकते हैं वो सब भी बताएंगे, और कैसे बिहार तक जाना है वो पूरा जो रास्ता है जो शॉर्टेस्ट वे है वो भी दिखाएंगे बताएंगे आपको। गाइस ये देखिए कोहरा, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है बाहर, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश साइड आ गए हैं। हाईवे का नज़ारा बहुत ही शानदार, और ये पुल्लक जहाँ गाड़ी रुकता वहाँ फ्री हो लेता एक बार ये। तो गाइस यहाँ हम थोड़ा रुक गए हैं, ये जो मेरा लड़का है ना ये इसको थोड़ा गाड़ी के अंदर उल्टी वगैरह करने का वो है, और बाहर देखिए आप कितना कोहरा है, बहुत ही शानदार ठंड है, देखिए कितना कोहरा है, और ये अपनी ब्लैक बीस्ट सफारी। सूर्य भगवान निकले हुए हैं, बहुत ही शानदार, बाहर ठंड बहुत है, कल रात को बारिश हुई थी यहाँ पे लखनऊ में और ठंड थोड़ी पड़ गई है। हम लोग अयोध्या पहुंच गए हैं और अब अयोध्या से गोरखपुर के लिए हमने सफ़र शुरू किया है, और गोरखपुर मेरे को यहां से लगता है कि 140-145 किलोमीटर होगा। हम लोग सरयू नदी के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर चल रहे हैं, और साइड में आप लोग देख सकते हैं यही है सरयू नदी अयोध्या की, अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है श्री राम धाम में। जय श्री राम। बहुत बड़ी नदी है, बहुत ही पावन नदी है ये, आप लोगों ने देखा होगा पिछला एपिसोड।
गाइस बहुत ही टेस्टी खाना है और लकड़ी के चूल्हे पर बना हुआ खाना है। हल्का स्मोकी फ्लेवर आ रहा है सब्जी में, दाल में, चावल में। जब गोरखपुर से हम लोग अयोध्या से जब गोरखपुर की तरफ जाते हैं तब ये बीच में एक ढाबा आता है, फैमिली रेस्टोरेंट, जायका ढाबा नाम है इसका। देखिए बच्चों के भी खाने लायक है खाना, तुमको भी ले लिया। बस हेलो गाइज, हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके हैं। देखिए गोरखपुर के नज़ारे, यहाँ बहुत अभी 3-4 घंटा अभी और चलना है। आगे हम लोगों को सिवान छपरा जाना है अभी। यहाँ पे ट्रैफिक का कोई रूल नहीं है, किधर से भी कोई भी गाड़ी घुस सकती है। बाकी यहाँ चालान भी बहुत जल्दी कटता है गोरखपुर में स्पेशली। बहुत ही हाईटेक है, ऑनलाइन अगर आप लोग नहीं मानेंगे नियम तो ऑनलाइन चालान आ जाएगा आपका। योगी आदित्यनाथ जी की नगरी बुलडोजर बाबा। अपने गाड़ी की लाइट जल रही है सर, नहीं बंद है, सुबह हम जलाए थे। लेफ्ट साइड में एम्स है, आगे है ये गोरखपुर का एम्स है, एम्स हॉस्पिटल। इसकी बाउंड्री है इस साइड, आपको दिखा सकूं मैं। अब थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है, अभी भी है ट्रैफिक। ये देखिए रॉन्ग साइड भी जा रहे हैं लोग, उस साइड का रास्ता बहुत। अच्छा अच्छा रोड, ये देखिए एम्स के बिल्डिंग्स। गोरखपुर में बहुत ही जाम लगा हुआ था, अभी हम लोग कम से कम आधा घंटा गोरखपुर जाम में फंसे थे, उसके बाद अब जाके क्लियर रोड मिली है गाइज। हम लोग क्या थोड़ा बाहर है, सिटी अंदर से और भी काफ़ी खूबसूरत है, और अगर आप लोग आए यहाँ पे तो यहाँ भी घूमने के काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं। गोरखधाम मंदिर है जो कि बहुत ही विख्यात है पूरे इंडिया में, वन बिहार है। कुशमुही जंगल अपने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। गाइज आप लोगों को कुशमुही जंगल जो है जिसमें सिर्फ देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं खूब सारे, और रोड के दोनों तरफ, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइज, इसी जंगल के बारे में हम लोग आपसे बात कर रहे थे। कुशमुही जंगल, इस जंगल का नाम है कुशमुही जंगल, जिसमें देखिए देवदार के पेड़ ही पेड़ लगे हैं। थोड़ा इधर का शीशा खोलिएगा दुर्गेश भैया, देखिए बहुत बड़ा जंगल है ये, नेपाल तक गया हुआ है जंगल। हम लोग चौरी चौरा पहुंच चुके हैं, और चौरी चौरा का जो इतिहास है, और इस इतिहास को आप सब लोग जानते होंगे, सबने बचपन में जो किताबें उनमें पढ़ा होगा चौरी चौरा का इतिहास, जो यहाँ असहयोग आंदोलन से रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो कांड हुआ था वही चौरी चौरा है ये। तो गाइस यहीं पे हमने समोसा और चाय
दिया है देवरिया से आगे, समोसा खाया और अन्य ने देखो पेप्सी मचका रहा है ये, और अन्य फ्रूटी काफी अच्छा लगा, चाय और समोसा कुल्हड़ में चाय। गाइस यही है बिहार और यूपी का बॉर्डर, ये इससे आगे है बिहार और इससे पीछे है यूपी पड़ती है और बीच में एक ये नदी है। तो हम बिहार में अब घुस चुके हैं। नदी के पीछे है यूपी और नदी के आगे है बिहार। देखिए कितनी शानदार हरियाली है, हरे हरे खेत। देखिए गाइस कितना शानदार नजारा है, दोनों तरफ से पेड़, ऐसा लग रहा है कोई और ही जगह आ गए हम लोग, और बिहार में हम लोग घुस गए हैं, एंटर हो गए हैं बिहार में। और अभी हम लोगों को सिवान जाना है, तो सिवान करीब 30 या मेरे हिसाब से 40-45 किलोमीटर होगा अभी, और काफ़ी नज़दीक हैं हम लोग डेस्टिनेशन के। और फिर सिवान से हम लोगों को छपरा भी जाना है आगे। कितने हरे भरे खेत हैं और सरसों के खेत हैं, और देखिए यही हरियाली बहुत अच्छा लगता है। सड़कें थोड़ी बहुत है बट ठीक है, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छी है। अभी एक बार और हम आए हुए हैं पहले भी, और उस समय सड़कें काफी खराब थी, मेरे बचपन की बात है। अनवी आपको नींद आ रहा है? और हमारा बैक साइड बिल्कुल सामान से खचा खच भरा हुआ है, ये हमेशा आपको ऐसा दिखेगा। सफारी काफी वजन ढो रही है और उसके बावजूद भी एवरेज काफी अच्छा दे रही है ये। देखिए बिहार की सड़कें कितना शानदार बना हुआ है। जब हम लोग छोटे थे उस समय सड़कें बहुत खराब थी, लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी सड़कें बनी हुई है। Thank you.